इनका ड्रीम है, ये इंडिया आना चाहती है, शी वॉन्ट्स टू कम इंडिया, बट शी इज सेइंग इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट इंडियन वीजा फॉर चाइनीज पीपल. व्हाई यू डोंट ईट मी? Why? What did I mean? I was stomach. Oh, okay. Yeah. Small, small. No, I want to land there. Watch. तो ग्लीन स्टेशन तो मैं पहुंच गई हूं, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं सही स्टेशन पे उतरी हूं या नहीं. लैंग्वेज बैरियर अगेन. और वैसे अगर ट्रेन के स्पीड की बात करूं तो मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रेन कुछ 275 के स्पीड थी और सम टाइम्स वो 300 क्रॉस भी कर रही थी. तो जैसे ही आप स्टेशन से बाहर निकलते हो, काफ़ी सारे आपको ऐसे टूरिस्ट वाली चीज़ें दिखनी चालू हो जाती हैं. वैसे तो कोई फॉरेनर्स नज़र नहीं आ रहा एक्सेप्ट मी, क्योंकि मुझे पसंद है ऑफ बीट जगहों पे घूमना, अनएक्सप्लोर्ड जगहों पे घूमना. अब देखिए तो चाइना की ये छोटी सी सिटी है, यहाँ पे बहुत कम ही लोग आते होंगे. मोस्टली लोग बीजिंग और शंघाई और ऐसी जगहों पे जाते होंगे. तो यहाँ से मुझे अभी बस लेनी होगी. देखते हैं कहाँ से बस मिलती है. आई टेक बस. एड्रेस पासपोर्ट इंडिया. इंग्लिश इंग्लिश नो चाइनीज. तो यहाँ पे ये इतने सारे अंकल्स ने आके मुझे घेर लिया और नो बस बस और मुझे बोल रहे हैं टैक्सी ले लो. टैक्सी में कुछ 100 RMB जो कि बहुत ज़्यादा होता है, 1100 रुपये. इसलिए मैं जा रही हूँ बस की ओर. क्लियरली नंबर भी हॉस्टल वालों ने मेंशन कर रखा है, K99. मतलब इतने अच्छे से एड्रेस का जो एक्सप्लेनेशन दिया है ना, बहुत ही इजी हो जाता है फॉरेनर्स के लिए. इतनी खाली खाली बस स्टॉप, वो भी मेन रेलवे स्टेशन के, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि चाइना की आबादी गई कहाँ. बुलेट ट्रेन भी आप लोगों ने देखा कितना खाली था, और यहाँ पे भी आप देखो मतलब है ही नहीं कोई भी. मुझे लग रहा है पता नहीं बस जाएगी भी कि नहीं. ये देखो आप बस आके ऐसे लगी हुई है, लेकिन एक पैसेंजर वहाँ पर बस एक आंटी बैठी हुई है, और ऐसे ही खाली खाली बस जाती है. क्या लगता है आप लोगों को क्या रीज़न हो सकता है? मुझे ऐसा लगता है कि वो जो अभी आया था CORONA, कहीं वो तो रीज़न नहीं है, कहीं उसने तो यहाँ की आधी आबादी को साफ नहीं कर दिया, पता नहीं. लेकिन मुझे देख के ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मतलब ये 130 करोड़ लोगों की आबादी की जगह. इंडिया में आप छोटे शहर में जाओ, बड़े शहरों में जाओ, हर जगह क्राउड होता है. ट्रेन में कभी भी टिकट, आप अगर ऑन द स्पॉट स्टेशन पे जाके आप कभी भी टिकट लेना चाहो कभी नहीं मिलेगा. और यहाँ पे आप देखो कैसे ट्रेन्स खाली खाली जा रही हैं. अभी आप बुलेट ट्रेन जस्ट इमेजिन करो कि इंडिया में चालू हो जाती है, आपको लगता है सिर्फ 16 कोच, वो भी इतनी छोटी ट्रेन में, आपको ऑन द स्पॉट टिकट मिल जाएगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा. तो बस ले ली है मैंने, और बस के लिए मैंने कुछ पे किया है 2 RMB, जो मोस्टली जगहों पर यहाँ पर 2 RMB का ही फीस है, 25 रुपये बचते हैं. और ये देखो आप बस भी पूरी खाली है, सिर्फ तीन लोग हैं. कुछ तो हुआ है, कुछ तो गड़बड़ डैम श्योर है. वैसे भी चाइना की बातें बाहर कहाँ आती हैं, सारी चीज़ों को इन्होंने लॉक करके रखा है, हो ही नहीं सकता इतनी कम आबादी. और अगर हुआ है तो किसी वजह से हुआ है, मुझे भी नहीं पता, मैं सिर्फ कैच कर रही हूँ. वैसे साफ सफाई की बात करूँ तो ये शहर भी उतना ही साफ है जितने अभी तक के इसके शहर देखे. एक ही देखा है, अभी दूसरे शहर में आई अभी. अगर दूसरा शहर भी इतना है तो आगे के भी शहर ऐसे ही होंगे. तो बस स्टॉप पे उतरने के बाद मैंने एक मोहतरमा को बस में ही पूछ लिया था, और उन्होंने बोला मैं सेम स्टेशन जा रही हूँ, तुम्हें चलो हम साथ में जाते हैं. और आते आते उनसे काफ़ी सारी बात हुई, वो सेम हॉस्टल में भी आ रही थी. तो उन्होंने ही अपने गूगल मैप से मुझे सही हॉस्टल में पहुंचा दिया. बहुत पास था ये वैसे तो बस स्टॉप से. तो ये है हमारा हॉस्टल ट्रैवल लाइट, और वो भी मेरी तरह ट्रैवलर है, बट वो चाइना से ही है, और वो अच्छी इंग्लिश भी बोल पाती है.
तो हम लोग बेटर कम्युनिकेट कर पाएंगे और काफ़ी सारी चीज़ें मैं उनसे ग्लीन के बारे में पूछ पाऊँगी तो मेरे लिए बहुत ईजी होगा। मैंने अभी तक चाइना का सिम नहीं ख़रीदा है तो चाइना का सिम भी खरीदूँगी। तो कुछ ऐसा लॉबी है हमारा, ये हॉस्टल वैसे तो कुछ 3-4 महीने पहले ही खुला है तो अभी बहुत ज़्यादा नोन नहीं है, बट booking.com आप जैसे ही खोलोगे सबसे ऊपर में आता है ये, क्योंकि ये सुपर चीप है। मतलब मैंने यहाँ पे 2 दिनों के लिए बुकिंग की है और कुछ 800 रुपये में की है, इससे ज़्यादा चीप तो इंडिया में भी नहीं मिलेगा। इतने रीजनेबल प्राइस पे है लेकिन फिर भी बहुत ही क्लीन, बहुत ही हाइजीन। इवन लास्ट टाइम जो था वो बेड वेड तो बहुत हाइजीन थे बट वॉशरूम वगैरह थोड़ा उतना क्लीन नहीं था। बट ये रहा मेरा रूम फीमेल डॉर्मेट्री का, और मेरे साथ में जो आई थी बस स्टॉप से, आई फॉरगॉट योर नेम। हेलो, हेलो, आई फॉरगॉट योर नेम। आई एम जेनी। जेनी, ओके, हैया। तो ये और मैं, हम दोनों ही फिलहाल इस रूम में रहने वाले हैं शायद। और कुछ ऐसा हमारा ये रूम दिख रहा है, काफ़ी कोजी सा, बहुत ही प्यारा सा, डिम लाइट है तो बिल्कुल दिन में भी सोने वाली फीलिंग है जो मुझे चाहिए नहीं। तो और ये रहा वॉशरूम, वॉशरूम भी आप देखो काफ़ी क्लीन है, मतलब फर्श भी देखो काफ़ी क्लीन। ओ माई गॉड, वेस्टर्न टॉयलेट, फर्स्ट टाइम मैं चाइना में वेस्टर्न टॉयलेट देख रही हूँ, अदरवाइज इंडियन ही टॉयलेट देखा है अब तक। अब मैं करूँगी थोड़ा रेस्ट और उसके बाद शाम को निकलेंगे, गुलेन की सड़कों का मुआयना करेंगे, गुलेन की लाइटिंग का मुआयना करेंगे। और इधर ये सारे, इतने सारे लॉकर हैं, मतलब 6 बेड है तो बेड के अकॉर्डिंग एक एक लॉकर है सबका, आराम से आप इसमें लॉक भी लगा के अपनी कीमती एक्सपेंसिव चीज़ें रख सकते हो। मतलब 400 रुपये में और क्या चाहिए यार, बेस्ट है। सबसे ज़्यादा मैं यहाँ से खुश हूँ तो यहाँ की क्लीनिंग से हूँ, बहुत ही ज़्यादा क्लीन है। थोड़ा पेट पूजा करने के बाद अब हम लोग बाहर जा रहे हैं, सिटी साइड टूर करने वाले हैं, आसपास में ही करेंगे, ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे। इनका ड्रीम है, ये इंडिया आना चाहती है, शी वॉन्ट्स टू कम इंडिया, बट शी इज सेइंग इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट इंडियन वीजा फॉर चाइनीज पीपल। आई टोल्ड हर आई विल सेंड यू इनविटेशन, डोंट वरी, यू कैन कम इन मुंबई। तो यहाँ पे मेरी नज़र गई और मैंने देखा यहाँ पे कुछ वेजिटेरियन रेस्टोरेंट भी है और यहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पे है। तो ये जो मेरी चीनी फ्रेंड है ये भी वेजिटेरियन है, मतलब चाइना में कोई वेजिटेरियन भी हो सकता है, मैं भी सरप्राइज हो गई। तो अच्छा है, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत अच्छी कंपनी मिली है, बिल्कुल मेरे जैसी कंपनी जो सोलो ट्रैवलर है और जो इंग्लिश भी बोल पा रहा है और जो वेजिटेरियन है, तो बहुत ही सही रहेगा। दोपहर के टाइम पे तो बिल्कुल भी इतना क्राउड नहीं दिख रहा था लेकिन अभी आप देखो थोड़ा थोड़ा लोग बाहर आने लगे हैं शाम के टाइम पे ऑफिस कंप्लीट करके। तो पहले होगा पेट पूजा और यहाँ मैं एकदम फ्रीली घूम रही हूँ, मेरे पास नेट होना हो, मेरे पास मैप होना हो, क्योंकि इनके पास मैप है और मैं पूरे तरीके से इन पर डिपेंडेंट हूँ। यहाँ पे इंग्लिश में बहुत कम चीज़ें हैं, जैसा शेंज़िन में है कि हर शॉप के बाहर इंग्लिश में भी चीज़ें लिखी हुई थी ऑलमोस्ट, बट यहाँ पे अगर आपको दिखाऊँ तो सारी चीज़ें चाइनीज में हैं। एंड वाई आर यू वेजिटेरियन, व्हाट, वाई यू डोंट ईट मी, ओके, एंड व्हेन डिड यू ईट मीट लास्ट टाइम? This meat is last time. Last year, I buy some mutton. I want to see if I can eat some meat. But when I eat, okay. Remember that I feel uncomfortable, so I don't eat meat anymore. Okay. Yeah. तो इन्होंने लास्ट ईयर मीट टेस्ट किया, मतलब लास्ट बार खाया इन्होंने और इनके स्टमक में बहुत प्रॉब्लम हो गई जिसकी वजह से इन्होंने मीट छोड़ दिया हमेशा के लिए। स्ट्रेंज ना, आई हैव नेवर हर्ड चाइनीज पीपल ईट वेज फूड। मैंने चाइनीज
Yes. Then there is no vegetarian restaurant. What was your last time? Maybe 6 years back. 6 years. And only chicken. I haven't tasted anything else, like except chicken. No mutton, no pig, no cow, nothing. So why you are a vegetarian? I feel guilty to kill animals to just eat them. Oh. Yeah. I love animals. I love animals too. तो ये हमें मिल गया इतने ढूंढने के बाद, ये कुछ वेज यहाँ पे मिल रहा है। ओह वाओ। तो यहाँ पे आपको अपनी पसंद का ये सिलेक्ट करना है और आपको उसमें डालना है ताकि वो गर्म पानी से थोड़ा धुल जाए और थोड़ा बॉईल हो जाए और उसके तो इन्होंने मुझसे पूछा कि मैं चूज करूं, मेरे को तो अभी कुछ पता है नहीं, तो मैंने कहा भाई आप ही बहन मेरे लिए चूज कर दो। तो चाइना आके सिर्फ तीसरा दिन हुआ है मुझे और मैं चाइनीज फूड टेस्ट करने वाली हूँ, वो भी वेजिटेरियन। वाओ यार, बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा। तो ये देखो, यहाँ पे आप अपनी पसंद की वेजीज ले सकते हो और ये मशरूम इधर ये बॉयल हो रहा है, तो आप गलत फहमी में मत आना कि वो चिकन है। और इस तरीके से गर्म पानी में ये लोग ये डाल देते हैं ग्रीन्स, ताकि अगर उस पर कुछ बैक्टीरिया या कोई भी ऐसी चीज़ हो तो वो मर जाए, जो कि एक अच्छी चीज़ है, मतलब अवेयरनेस है यार। और ये सारी चीज़ें अभी ये मिक्स कर देंगे। तो ये कुछ चाइनीज सब्वे बोल सकते हैं इसे, मतलब जैसे सब्वे में आप अपनी पसंद के वेजिटेबल्स और ब्रेड और मेयो आपकी पसंद का ले सकते हो, उसी तरीके से यहाँ पे आप आपकी पसंद के ये वेजीज ले सकते हो विथ नूडल्स एंड राइस मे बी। अभी मेरा आ जाए तो फिर मैं आपको बताती हूँ टेस्ट करके कि चाइनीज सब्वे कैसा लगा। ये पूरी स्ट्रीट जो है, ये स्ट्रीट सिर्फ रेस्टोरेंट्स के लिए है। आप चारों साइड इसमें देखोगे तो दुनिया भर के रेस्टोरेंट हैं और उसमें से सिर्फ ये एक लौता ये वेज रेस्टोरेंट है। तो मैं अभी, मुझे जब भी खाना होगा मैं यहीं पे आ जाया करूँगी। मैं इसका रास्ता अच्छे से नोट कर लूँगी, वैसे तो ज़रूरत नहीं है क्योंकि जब जब ये मोहतरमा आएंगी मैं भी आ जाऊँगी इनके साथ। सारे वेजीज लेने के बाद आपको उसमें अपनी पसंद से ये चीज़ें डालनी होती हैं। आई गेस ये कुछ सॉस वगैरह है और ये चिलीज वगैरह है। तो सारा कुछ रेडी होने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है हमारा खाना। ये नूडल्स है और इसमें चिली और सोया मिला है और इधर हैं ये वेजीज। बहुत डिफिकल्ट हो रहा है मेरे लिए। यू डू टेक नूडल्स? नूडल्स? नो, नॉन नूडल्स। तो इन्होंने सारा नूडल्स मुझे दे दिया, खुद नूडल्स नहीं लिया, सिर्फ वेजी लिया है। This is meat of Chinese horse fur. That's good for you. This is made like rice. Chinese. तो ये जो आप नूडल्स देख रहे हो ये राइस से बना हुआ है। तभी चाइनीज इतने नूडल्स खाते हैं और फिर भी इतने फिट रहते हैं, इतने स्लिम रहते हैं। जाते हुए मैं यहाँ से लेके जाऊंगी नूडल्स, जैसे तैसे मैं सीख रही हूँ। ये पूरा खाया नहीं गया, बहुत ही ज्यादा तीखा भी था और बहुत ही गर्म था, तो मैंने इसे पार्सल ले लिया है। दिल किया तो रात को खा लूंगी। अभी एक और दूसरे रेस्टोरेंट में रुके हैं और यहाँ पे भी कुछ फूड टेस्टिंग हो रही है।
यहाँ पे इनके पास कुछ स्वीट डिशेस भी हैं, बट मेरे पेट में तो जगह नहीं है कि मैं ये सब खाऊं, तो ये मोहतरमा ले रही हैं। दिस इज मीट ऑफ, दिस इज मीट ऑफ, दिस इज kind of soup. Okay. Dessert. Dessert. Okay. Dessert. तो ये डेजर्ट है इनके, और पता नहीं किस टाइप का है, मुझे तो देख के कुछ इतना मजा आ ही रहा है। दिस इज ये रसगुल्ले टाइप का दिख रहा है। तो ये रेड बीन से बना हुआ एक डेजर्ट है जिसमें शुगर भी है, मैं इसलिए नहीं ले रही हूँ, अगर शुगर नहीं होता, जैगरी होता तो मैं ले ली। एक्चुअली आई अवॉइड टू ईट शुगर। नो, शुगर इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, दैट्स व्हाई आई अवॉइड एज मच एज आई कैन डू। Whatever I drink, sweet drink, I put jaggery. Jaggery. You know about jaggery? No. Okay, jaggery is healthy version of sugar. Yeah. Sorry, हम लोग इतने busy हो गए हमारे conversation में कि इस शहर को मैं दिखाना और इसके बारे में कुछ बताना तो भूल ही गई। तो ये चाइना के साउदर्न पार्ट में आता है, और अगर यहाँ की पॉपुलेशन की बात करें तो कुछ 5.3 पॉपुलेशन है यहाँ की, मिलियन सॉरी, और ये शहर पूरा का पूरा ली रिवर से घिरा हुआ है, तो बहुत ही प्यारा है, और ये अपने लैंडस्केप के लिए जाना जाता है जो आपको आगे देखने मिलेगा। तो फाइनली अभी जाके मुझे कुछ ऐसी गलियाँ जो काफ़ी इंडिया से सिमिलर हैं, दिस लेन इज सिमिलर लाइक इंडिया, ब्रोकन रोड्स। तो ये देखो आप, चाइना में भी है ऐसी जगह, मुझे लगा था चाइना में सिर्फ ब्यूटीफुल प्लेसेस है, बट नो, स्टिल वी गो आउट इन इंडिया। मुंबई इज सेफ, दिल्ली इज नॉट सेफ। तो ये मोहतरमा बता रही थी कि जैसे ही मैंने कंपेयर किया यहाँ और भारत में, वैसे ही ये मोहतरमा ने, शायद उन्हें अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने बताया कि गंदगी में बेशक सेफ होगा ये वाला लेन स्पेशली, बट अदरवाइज बहुत सेफ है चाइना, इट्स नॉट लाइक इंडिया। तो मैंने भी उन्हें बताया कि हाँ, इंडिया में भी एक दो शहर छोड़ के बाकी सारे सेफ ही हैं। Good, good dance. Yo. Yeah. Yo. Maybe कुछ TikTok का कार्यक्रम चल रहा था, नाच रही थी आंटियां। ये शहर की अगर मैं बात करूं तो ये शहर मुझे कुछ बहुत ही बेहतर लगा, चाइना जैसा। मुझे ऐसा लग रहा है ये शहर बहुत सिमिलर है बैंकॉक और ऐसे शहरों से। शेंज़ेन इज कम्प्लीटली डिफरेंट एंड दिस इज ट्रेडिशनल।